हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हो रसलिंग देखो 360। तो गाइस, एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज निकलकर सामने आई है द रॉक के WWE रिटर्न पर, और इसी चीज पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं होगी, इसे लास्ट तक जरूर देख लेना। तो गाइस, WWE ने रोमन रिंग्स वर्सेस द रॉक के मैच का प्लान करा था रसलमेनिया 37 के लिए, क्योंकि रसलमेनिया 37 लॉस एंजलिस USA में होने वाला था, जिसे हॉलीवुड का होम माना जाता है। लेकिन लास्ट टाइम में आते आते WWE ने रसलमेनिया 37 की लोकेशन को बदल दिया और रसलमेनिया 37 को टेंपा फ्लोरिडा USA में करवाने का डिसीजन ले लिया, जिसकी वजह से ये मैच कैंसिल हो गया और अब रसलमेनिया 39 हॉलीवुड सिटी लॉस एंजलिस में होगा। और अब पॉसिबिलिटीज है कि आफ्टर 2 ईयर्स 2023 में हमें द रॉक वर्सेस रोमन रिंग्स का मैच रसलमेनिया 39 में देखने को मिलेगा। और अब केज साइड सीर्स ने कंफर्म किया है कि द रॉक सर्वाइवर सीरीज 2021 में अपना रिटर्न कर सकते हैं WWE में, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज 1996 में द रॉक ने अपना डिबेट WWE में किया था और अब सर्वाइवर सीरीज 2021 में द रॉक को WWE में पूरे 25 साल कंप्लीट हो जाएंगे, जिसके चलते द रॉक सर्वाइवर सीरीज 2021 में सेलिब्रेशन करने के लिए एक अपीयरेंस जरूर करेंगे। और गाइस, यहां पर जब द रॉक सर्वाइवर सीरीज 2021 में अपना रिटर्न करेंगे, तब पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है कि रोमन रिंग्स उन्हें इंटरप्ट करें और यह सेगमेंट लीड कर सकता है रोमन रिंग्स वर्सेस द रॉक के मैच को रसलमेनिया 39 के लिए। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कुछ होता है। बस यही अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने थॉट्स रॉक के रिटर्न पर जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।